दो स्लीपर हटाकर लगेंगे जनरल को। रेलवे की नजर श्रमिक यात्रियों पर, अक्टूबर से अप और डाउन दिशा में होगा बदलाव। संवाददाता जागरण, मुंगेर जमालपुर के रास्ते भागलपुर से आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली के बीच चल रही विक्रमशिला एक्सप्रेस यात्रियों की पसंदीदा ट्रेन है। ये ट्रेन पूरे वर्ष हाउसफुल रहती है। जनरल कोच में ज्यादातर दिल्ली में रोजगार करने वाले श्रमिक इससे सफर करते हैं। ट्रेन में जनरल कोचों की संख्या कम होने के कारण उन्हें हर दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनकी परेशानी को देखते हुए रेलवे ने विक्रमशिला एक्सप्रेस से दो स्लीपर को हटाकर दो जनरल कोच लगाने का निर्णय लिया है। दो को बढ़ने से विक्रमशिला एक्सप्रेस में जनरल कोचों की संख्या 4 हो जाएगी, वहीं स्लीपर कोच की संख्या 9 की जगह 7। विमशिला एक्स जागरण अश्य हो जाएगी। दो को बढ़ने से 212 सीट बढ़ जाएंगे। इससे काफी हद तक खासकर श्रमिक यात्रियों को सहूलियत होगी। विक्रमशिला एक्सप्रेस में नए कोच का समायोजन अक्टूबर से होगा। अक्टूबर से पहले तक स्लीपर की कुल 9 कोचों के विक्रमशिला एक्सप्रेस CRANENILA एक्सप्रेस आनंद विहार एमनल टर्मिनल साल ही कृषिता चलेगी। 15 अक्टूबर से भागलपुर से दो जनरल कोच जुड़ेगा और स्लीपर को हटाया जाएगा। इसी तरह 19 जून से आनंद विहार टर्मिनल से चलेगी। दरअसल जमालपुर जंक्शन के रास्ते के लिए दिल्ली के लिए 8 ट्रेनें हैं। 18 आकार से भागलपुर से जुड़ेगा कोच, 19 आ जुड़ेगा कौन 04 और करना इंतजार। इसने अगरतला आनंद विहार टर्मिनल तेजन राजधानी गरीब रथ विक्रमशिला एक्सप्रेस फरक्का न्यू फरक्का हम सफर एक्सप्रेस ब्रह्मपुत्र मेल शामिल है। इसमें विक्रमशिला फरक्का एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल ही रोजाना चलती है। इन दोनों ट्रेनों की तुलना में विक्रमशिला एक्सप्रेस कम समय में आनंद विहार टर्मिनल कम समय में पहुंचाती है। इस कारण लोग इस ट्रेन से सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं।